शिमला से अमृतसर की दूरी अब सिर्फ एक घंटे की रह गई है। शिमला से अमृतसर फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। फ्लाइट को आज सांसद सुरेश कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले दिन आज शिमला से 12 यात्रियों ने सफर किया। फ्लाइट सुबह 8:45 पर शिमला के जुब्बड़हट्टी से रवाना हुई। हवाई सुविधा शुरू होने के चलते शिमला से अमृतसर सड़क मार्ग से करीब 7 घंटे में तय होने वाला 350 किलोमीटर का सफर अब 1 घंटे में तय हो जाएगा। एलायंस एयर ने इसके लिए ATR-42 एयरक्राफ्ट चुना है। ये एयरक्राफ्ट सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को अमृतसर के गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय और शिमला के SLV यानी शिमला एयरपोर्ट टर्मिनल से उड़ान भरेगा। पंजाब से सैलानी शिमला घूमने आते हैं, जबकि शिमला से श्रद्धालु सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने पहुँचते हैं। एलायंस एयर की शिमला के लिए फ्लाइट शुरू होने से दोनों प्रदेशों के लोगों को फायदा होगा। इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप ने यह भी कहा कि अमृतसर, दिल्ली, धर्मशाला एवं कुल्लू आदि के साथ अब शिमला की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। एलायंस डायनेमिक रेट के हिसाब से कुछ सीटों पर अच्छे रेट दे रही है, पर अंतिम सीटें कुछ ज्यादा ही महंगी हैं। इस विषय को लेकर भी हम केंद्र को अपने सुझाव प्रेषित करेंगे। सांसद सुरेश कश्यप ने क्या कहा, सुनिए विस्तार से। आज शिमला से अमृतसर के लिए फ्लाइट की शुरुआत हुई है और मैं समझता हूँ एक इतिहास के पन्नों में आज शिमला एयरपोर्ट का नाम फिर से दर्ज हुआ, जहाँ अब अमृतसर, पहले फ्लाइट धर्मशाला और उसके बाद दिल्ली जाती थी, अब अमृतसर भी जाएगी। और मैं समझता हूँ शिमला जो कि एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसके बाद अमृतसर और स्वर्ण मंदिर, और उसके लिए शिमला से फ्लाइट की सुविधा एक आने वाले समय में पर्यटकों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा, जो निरंतर हिमाचल प्रदेश को एक के बाद एक सौगात देते हैं, चाहे वंदे भारत ट्रेन की हम बात करें, चाहे हम अभी जो एयर कनेक्टिविटी शिमला एयरपोर्ट की बात करें, धर्मशाला के एयरपोर्ट को एक्सपेंशन की बात करें, मंडी का जो एयरपोर्ट प्रस्तावित है उसकी बात करें, अर्थात हिमाचल प्रदेश को लगातार जो है केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, और चाहे कनेक्टिविटी की हम बात करें या विकास की हम बात करें, तो मैं समझता हूँ आज का दिन शिमला के लिए शुभ दिन है और नई फ्लाइट की शुरुआत होना ये हम सब के लिए खुशी का दिन है। मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का और हमारे जो उड्डयन मंत्री है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक नई फ्लाइट की शुरुआत आज यहाँ शिमला से अमृतसर के लिए की गई है। देखिए, फेयर को लेकर कुछ विषय ध्यान में आए हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार के और विशेष रूप से हमारे जो सम्माननीय मंत्री हैं उनके ध्यान में विषय लाया जाएगा, ताकि लोगों को जो है सुविधा के साथ साथ जो है उचित किराए में जो है सुविधा मिल सके। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।